नमस्कार मित्रों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई से जुड़ी सबसे तेज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मिलेगी आपको यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल से जुड़ी सबसे तेज अपडेट। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट का फैसला आने वाला था 2015 मैरिड वालों के लिए। तो दोस्तों, अभी कुछ ही घंटों पहले हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और उसने अधिक से अधिक आप लोगों का फेवर किया है कि आप लोगों की भर्ती कराई जाए, लेकिन उसने अपना अंतिम निर्णय सरकार पर छोड़ दिया है। मतलब अगर सरकार के पास 2 दिन का समय है, सरकार जैसा निर्णय लेती है वैसा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये भर्ती कराई जाती है तो जो नोटिफिकेशन 2017 को योगी सरकार ने लाने के लिए बोला था कि वो 30,000 सिपाहियों की भर्ती कराई जाएगी, तो ऐसा करना असंभव हो जाएगा। यानी अगर ये भर्ती कराई जाती है तो 2017 यूपी पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये भर्ती होती है तो कोई नई भर्ती इस साल पुलिस की नहीं होने वाली, जो कि योगी सरकार के वादे के खिलाफ होगी। तो आशा ये जताई जा सकती है कि अगर भर्ती होती है तो इससे मोदी सरकार के वादे का पूरा पूरा उल्लंघन होगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होता है 2 दिनों में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।